हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन, तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। आंखों की छोटी से बड़ी हर समस्या का इलाज अब एक जगह, चेन्नई और दिल्ली के बाद डॉक्टर विकास झा अब दरभंगा में। त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल, शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण, दिघी रोड, दरभंगा। रेटिना, कैटरेक्ट एवं नवजात शिशुओं के आरओपी का सफल इलाज। दरभंगा से दिल दहला देने वाली खबर, नवनिर्मित बाईपास रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 महिलाओं की कटकर हुई मौत। यह दुखद खबर दरभंगा से है। दरभंगा में शुक्रवार की देर रात एक ही परिवार की 3 महिला ट्रेन की चपेट में आने से दुखद मौत का शिकार हो गईं। तीनों महिलाएं गोपालपुर गांव के पास इंजन की चपेट में आ गईं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि शाम में तीनों महिलाएं शौच के लिए रेलवे लाइन के पास गई थीं। उसी क्रम में रेल की चपेट में आ गईं। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नवनिर्मित दरभंगा बाईपास स्टेशन पर देर रात ट्रेन के इंजन से स्पीड ट्रायल किया जा रहा था। गोपालपुर गांव की तीनों महिला रेल पटरी के पास शौच कर रही थी। इसी क्रम में स्पीड ट्रायल कर वापस लौटने के दौरान तीनों महिलाएं इंजन की चपेट में आ गई और कटकर उनकी दुखद मौत हो गई। क्योंकि सर बबीता देवी है, पति के नाम है राम बाबू पासवान, दूसरी वाली की हुआ है ममता देवी, पति के नाम हुआ है श्याम पासवान, और तीसरा का हुआ है नाम सर देवकी देवी, उसका पति के नाम हुआ राम लगन पासवान। तीनों कैसे क्या हुआ सर, कैसे क्या हुआ, हम बोलो हमारा मुखिया बाथरूम नहीं बनाया था। अरे भाई कैसे हुआ, रेलवे का रेल हादसा हुआ है? हाँ सर, रेल हादसा हुआ है। ना जो मुखिया है, हाँ, मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूँ, हाँ, ठीक है, वो जो बोला कि मैं सबको बाथरूम के लिए बोला हूँ, हाँ, एक बात मुझे बताइए, बोलने से होता है या करने से होता है? जब तुमको वोट लेना रहता है तो तुम आके घर में पैर हाथ पकड़ते हो ना। आज जो तीन तीन लेडीज की बॉडी गई है, उसका जिम्मेवार कौन होगा ये बताइए आप? हादसा कैसे हुआ, इसका हादसा कैसे हुआ? उसके घर में बाथरूम नहीं था, ठीक है, बाथरूम करने आई पटरी पे, ट्रेन आया, रेलवे ड्राइवर फोन पे बिजी था, तीनों को उड़ा के निकल गया।